हमारी ना सारी पैकिंग हो गई है और यहाँ पे बोला गया है हमें कि सारे लगेज जितने भी है ना वो यहाँ पे हॉस्टल रूम में छोड़ दे। हमें ना रोमानिया के बॉर्डर से लेके चले जाएंगे आराम से, यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है, सब जा रहे हैं हम लोग क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमें बुला रही है तो हमें जाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यूक्रेन और रसिया के बीच में जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लगभग 600 ऐसे छात्र हैं जो बिहार से हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में बिहार में जेडीयू के विधायक है राजीव कुमार सिंह जो कि तारापुर से आते हैं, उनकी बेटी खुद यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गई है और इस वक्त वो यूक्रेन में फंसी हुई है। थोड़ी देर पहले बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी कहा था कि सभी छात्रों को भारत की सरकार वहां से इवैक्यूएट करके वतन लाएगी। लेकिन इस कुछ वक्त पहले हमने बात की राजीव सिंह से जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी इस वक्त सेफ है और उनसे बात हुई है, वो इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है लेकिन वहाँ पर जहाँ उनकी बेटी फंसी हुई है जिस शहर में जिस हॉस्टल में वहाँ पर स्थिति जो है इस वक्त सामान्य है। लगभग 4 से 5 और जो छात्राएं हैं वो भी बिहार की है, वो उनके साथ है और ऐसे में राजीव सिंह ने भी ये बात विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया कर्मियों से कही है कि इस वक्त उनकी बात हुई है, उनकी बेटी से उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, अपनी कॉल रिकॉर्ड सुनाई कि क्या कुछ हालात इस वक्त वहाँ पर है। लेकिन यूक्रेन में जो स्थिति है इस वक्त तनावपूर्ण है और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजीव सिंह इस मामले को लेकर, सुनिए आप। कंडीशन वहाँ ठीक ठाक है, जिस एरिया में मेरी बेटी है वो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में है और यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वही डिस्टर्ब है और वहाँ के दूतावास से जो है कहा गया है हमारे बच्ची को और दूसरे जो इनके साथ बच्चियाँ पढ़ती है उनको कहा गया है कि सामान पैक करके रखिए, आपको यहाँ से जो रोमानिया का है, रोमानिया वहाँ से 30 किलोमीटर की मात्र दूरी पर है, वहाँ हम सुरक्षित रखेंगे आपको। बाद में फिर जैसा सिचुएशन होगा तो हम आपकी बेटी वहाँ क्या करने गई थी, मेडिकल करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है? जी नहीं, इस मुद्दे पर बात नहीं। वहाँ अभी आपने बातचीत किया क्या, कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है। क्या बात हुई उनसे, क्या उन्होंने बताया? सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग है भाई जी, अब रिकॉर्डिंग है, हम रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। बोलेंगे आप सुन लीजिए और संतुष्ट हो जाइएगा। हाँ, लोगों पीछे कर रहे हैं। पापा हमारी ना सारी पैकिंग हो गई है और यहाँ पे बोला गया है हमें कि सारे लगेज जितने भी है ना वो यहाँ पे हॉस्टल रूम में छोड़ देने, बस एक हैंड बैग में सारे एसेंशियल लेके चले जाने के लिए और हमें ना रोमानिया के बॉर्डर से लेके चले जाएंगे आराम से, यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है तो फिर सब जा रहे हैं हम लोग, हर कोई भैया दी लोग जितने भी सीनियर्स हैं ना सभी आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हमें बुला रही है तो हमें जाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, सब एकदम आराम से सब कुछ पीसफुली हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है, बट अब इंडियन गवर्नमेंट बस हो गया। ठीक है, ठीक है। कौन से शहर में है आपकी बेटी? बुको बेनिया यूनिवर्सिटी है।